So, hello and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness. So, अभी बस सोकर ही उठाऊँ थोड़ी देर पहले और मैंने सोचा कि आज एक पूरी वीडियो बनाऊँ, रियल इनसाइट दिखाऊँ. आपने जो से पहले देखा है वो सिर्फ वर्कआउट देखा है या फिर डाइट समथिंग, यू नो, बहुत प्रोफेशनल देखा है. सो आई थॉट वाई नॉट टू यू नो शेयर द रियल इनसाइट, द बैक एंड स्टोरी. और तो वही दिखाने वाला आज वीकेंड हमारा थर्सडे जो वीकडेज में पड़ रहा है. वीकेंड पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस बनती है वो वीकेंड्स पे ही बनती है, मैं तभी खाली रहता हूँ. बट आज मॉर्निंग में कहीं बाहर भी जाना था, थोड़ा टाइम भी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो. और लास्ट वीकेंड हमारी वीडियो भी मिस हो गई थी जो मैंने कमिटमेंट कर रखा है, जो मैंने यू नो कोशिश करता हूँ कि हर वीकेंड वीकेंड एक. सो आई ट्राई टू कवर दैट लाइक अप टुडे और रियल इनसाइट दिखाता हूँ. अभी जस्ट सोकर ही उठाऊँ and I'm gonna be just having the breakfast. So this is the breakfast that I'm keeping ready. इसमें मैंने अभी 200-250 ml दूध होगा और चार केले रखे हुए हैं मैंने. इसमें small थे. आपका डिफरेंस जब भी आप केले डालते हो हमेशा देखना, अगर लार्ज रखोगे तो दो या तीन रखना है एज पर योर यू नो डाइजेशन प्रोसेस, एज पर आपको जितना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है दो या तीन रखना, अगर स्मॉल रखते हो तो चार रखना. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आवर, हम यहाँ से निकालेंगे ओट्स. ये जो कवर्ड है ये आप देख रहे हो काफी हद तक अब खाली हो गया है, इसमें बहुत कम चीजें ही रखी हैं. पहले एक हफ्ते तक पहले ये पूरा भरा हुआ था, मैंने प्लान करा हुआ था कि कंपटीशन ऑल ये सब चीजें के लिए काम आएगा, बट आई लाइक सोल्ड इट आउट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन. सो लाइक हैविंग द ब्रेकफास्ट टुडे, स्टार्टिंग द डे विद अ गुड थिंग्स, गुड यू नो थॉट्स. पूरे दिन का स्ट्रगल जो भी रहता है, पूरे दिन का यू नो ऊपर नीचे आगे पीछे सब चलता रहता है मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप सोकर उठते हो यू नो मॉर्निंग द फर्स्ट डे, सो आपको वही चीज़ यू नो करने को अच्छी लगती है जो चीज़ आपको पसंद हो. तो ये मेरे को लाइक बनाना और ओट्स ये सब चीज़ें मिल जाएँ दूध के साथ, थोड़े से फ्रूट्स मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेटर होता है. सो इट्स लाइक दैट. सबसे ज़्यादा टेस्ट जो पहले मील मिलता है वो मेरा ब्रेकफास्ट ही होता है. ऑल्दो हम आज फुल डे ऑफ डे नहीं बना रहे हैं, हम किसी और दिन बनाएंगे, उसमें एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, बट राइट नाउ वी जस्ट हैव टू एंजॉय. सो वी जस्ट डन विद द ब्रेकफास्ट और अब घुसेंगे यहाँ से नहाने के लिए. तो जस्ट चेकिंग माय फिजिक, सो आप देख सकते हो कि अभी करंट कंडीशन क्या है. इसमें जो आपको दो तीन चीज़ें नो डाउट हो रही होंगी कि फैट थोड़ा ज़्यादा आ गया है, बट आई एम टोटली ओके विद दैट बिकॉज मुझे कॉम्पिटिशन छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं एंड आई एम ऑफ टू द गेट्स. सो अभी करंटली क्या स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, पूरे लाइक डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट दिस इज जस्ट द कंपोजिशन. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी स्ट्रेंथ अभी तक कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ी और है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट एंड आई बिलीव दिस इज द लाइक गुड फिजिक दैट आई एम मेंटेनिंग अलॉन्ग विद द नॉलेज, गेटिंग ऑल द नॉलेज एंड मेंटेनिंग अलग लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ द यू नो जिम एज वेल. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. और उसने के पहले ज्ञान के अलावा दो चीज़ें मैं अभी यूज़ करूँगा. एक तो ये ट्रिमर है फिलिप्स का, ये बैक कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कैसा फोकस ले रहा होगा, ऑटो फोकस नहीं ले रहा होगा. सो फिलिप्स का ट्रिमर है, जो 18 साल से ऊपर लड़के हो जाते हैं उनके पास आपको ये मिलेगा ही मिलेगा. सो दिस रियली हेल्प यू इन यू नो रिमूविंग द हेयर, चाहे आप बियर्ड की बात करो, बॉडी हेयर की बात करो, ये लेग्स, बट अगर कोई आप कहीं पर भी लगा दे तो मैं आज क्वार्ट्स पे करूँगा. अपने लेग्स नहीं है बट स्टिल मेरे को नहीं पसंद कि क्वार्ट्स पे या फिर यू नो चेस्ट पे आपके हेयर रहे, तो मैं वो हफ्ते में एक बार या फिर दो हफ्ते में एक बार मैं यू नो कर ही देता हूँ ट्रिमर ऑफ. सबका अपना प्रेफरेंस होता है, मेरा इस तरीके से. और दूसरी चीज़ ये है मैंने एडन का लाइक डी टैन कॉफ़ी. कल मैं बाहर निकला था तो काफ़ी मुझे ऐसा लगा था टैन हुई थी और काफ़ी डस्ट वगैरह आए थे, तो आज नहाने से यू नो पहले एक बार अपना यू नो डी टैन कॉफ़ी से फेस स्क्रब अपना लगा लेंगे. सो ये दो चीज़ें अपने ख़त्म करके नहा के निकलते हैं. सो डन विद द टू पेजेस ऑफ टुडे जो कि है हमारी थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी. तो ऐसे में बहुत सारी यू नो एक्टिविटीज़ करता हूँ दैट आई लाइक टू शेयर विद यू और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आप कहीं ना कहीं यू सुनो इसको रिलेट कर रहे होगे अपने पुरानी ऑफ द एक्टिविटीज जो आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, 75 डेज यू नो चैलेंज, हार्ड चैलेंज. अब अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो बहुत सारे जो ऐसे जिम वाले लड़के हैं जो मेरे को भी देखते हैं उनके हिसाब से तो ये 365 डेज ऑफ चैलेंज रहता है, उनके लिए कोई 75-76 डेज नहीं रहते. हमारे हर दिन की एक चैलेंज है. तो ये कुछ एक्टिविटी होती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं बट इट्स कि वो लोगों के सामने तक नहीं आ पाता है एंड वी लर्न एंड दैट्स हाउ वी ग्रो. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न अबाउट टुडे इज मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फियर्स. और आई बिलीव कि शॉर्ट टर्म फियर्स लॉन्ग टर्म फियर्स हर एक इंसान के होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, यू नो लाइक कोई भी उसकी एज हो 18, 19, 20, 24 किसी भी एज फैक्टर में क्यों ना हो, उसके शॉर्ट टर्म फियर्स लॉन्ग टर्म फियर्स. आप छोटे थे तब भी होते थे, यू नो बड़े होते तब भी होते, तो होते हैं. बस कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं यू नो एंड यू नो उस चीज़ को लिखते हैं, उस चीज़ों पर एड्रेस करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर काम करते हैं. कुछ लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं लाइक और फिर वो बाद में यू नो कभी ना कभी ब्लंडर होता है. सो हम सबको एक्सपीरियंस मिला हुआ है. सो आज का टॉपिक यही था दैट हाउ यू कैन मैनेज. हम उसको टाल नहीं सकते बट वी कैन मैनेज ताकि हम जो आगे के डिसीजंस होते हैं
उसमें हम कैसे उसको ना बेटर तरीके से उसको यू नो एक्सेप्ट करके और अपनी यू नो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टुडे, क्या हमने सीखा है। एंड ये बताने का लाइक मोटिव यही था दैट आप भी इस चीज़ों को एक या दो यू नो पेज डेली रीड आउट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुक से ही उठाओ, वो कोई ब्लॉग हो सकता है, यू नो कुछ आर्टिकल हो सकता है, मैसेजेस मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ या हिंदी अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, हिंदी आप जैसे कहते हैं कि हमारी नहीं हमें हिंदी करना है, बट मैं जिस फील्ड में हूँ जो मेरा लाइक प्रोफेशन है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो मैं मोस्टली इंग्लिश ही प्रेफर करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा बट मैं आपको वही बोलता हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग आउट, चाहे वो इंग्लिश हिंदी या वहाँ पे वो मैटर नहीं करा, स्टार्ट रीडिंग आउट। अगर आप जितनी ज़्यादा बुक्स को रीड करोगे, जितनी ज़्यादा यू नो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, उतना ही आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। जिन्होंने मुझे हेल्प करा, जैसे कि यूट्यूब हुआ जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, सोशल मीडिया हुआ, मेरा करियर हुआ, प्रोफेशन हुआ, हर चीज़ में मुझे एक पर्सपेक्टिव के थ्रू ही यू नो हार्ड ब्रेक्स भी मिले हैं मुझे, काफ़ी चैलेंजेस भी हुए हैं, बट जितनी सारी चीज़ें मैंने पर्सपेक्टिव देखी। अब जैसे ये जय शेट्टी ने लिखी है तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से लिखी है, हो सकता है वो बंदा मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हो तो मैं उससे मिल तो नहीं सकता, मैं उससे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव मैं ज़रूर जान सकता हूँ, दैट विल हेल्प मी। मंदिर से निकल के अब आ रखे हैं जिम से पहले जूस पीने के लिए। ये जो भी मैं दोपहर में जाता हूँ अपना जिम में वर्कआउट वगैरह करने के लिए, सबसे पहले जूस पीने आता हूँ। तो जितने भी बंदे कहते हैं जिम में पंप नहीं आता, एक बार ये ज़रूर ट्राई करना जूस के साथ नमक डाल के और देखना नसें कैसे फट के आएंगी। तो सॉल्ट इज़ यू नो रियली गुड, जब भी आपको एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट से पहले अगर पंप चाहिए होता है, बॉडी में पंप नहीं दिखता, हैवी वेट्स करे जा रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट किए जा रहे हैं, सो दिस विल रियली हेल्प। तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसकी जगह भी बता दूंगा भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको देखने के बाद कोई बंदा आता है मेरे नोन से, जो कि आएंगे मेरे को पता है अच्छे बंदे हो, अच्छी फैमिली हो मेरी, तो डिस्काउंट वगैरह मत मांगना भाई, दे भी देंगे तो नहीं देना है, ठीक है। जहाँ पे डोमिनोज KFC ये सब चीज़ें जाने खाते हो वहाँ पे सब चीज़ें बोले, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ बना रही हैं और बंदे काफ़ी हार्ड वर्क करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो 10, 5, 20 रुपये के लिए इतना नहीं बोलना होता। और एक और चीज़, मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें हेमोग्लोबिन मेरा कम था, तो ब्लड रिपोर्टिंग एड हो गई। अगर आपको HB यू नो कवर अप करना है तो उसमें अनार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले एक हफ्ते से मैं जब भी दोपहर में जिम करने आता हूँ तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर होके जाता हूँ, तो आप भी आओगे तो ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, फटाफट चलता हूँ जिम के लिए, चलो। आपने देखा कि कैसे एक छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो रखा था बाइक का, और उससे स्कूटी थी बाइक थी पता नहीं, मैंने कैमरा नीचे कर दिया उसके बाद। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी मेरे साथ डेली होती रहती हैं, हर 2-3 दिन में बहुत होती रहती हैं, जॉब में या कहीं पर भी कुछ भी जिम में बहुत सारी चीज़ें से होती हैं। तो हमारा काम यही है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना, जितना अवॉइड कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही हमारे लिए चीज़ें क्लियर होती हैं। फालतू के लोग होते हैं इन पे और कुछ करने के लिए होते हैं, वो इन चीज़ों में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा यू नो बहादुरी समझते हैं, बट हमें हटा के चलना है। सो ये एक मैसेज था, मैंने सोचा आपको वीडियो बनाते बनाते एक कोइंसिडेंस था कि आपको भी बता दूँ। तो पहली चीज़ जो मैं लेने वाला हूँ ये है टी बूस्टर टी सर्ज ब्लैक फ्रॉम मसल बेस। इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और आपको दे भी चुका हूँ, सो काफ़ी डिटेल वीडियो, उसमें मैंने बताया था वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू यू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, बिकॉज ये हमारा मसल बिल्डिंग फेज में बहुत ज़्यादा काम आता है। सो मैं इसका एक टैबलेट लिया है विद द लाइक जिम के टाइम पे ECE AA BCAA जो भी रखे हुए मैं उनके साथ पी लेता हूँ, या खाली पानी पीने के साथ भी, सो जस्ट डन विद इट। और एक चीज़ और मैं अभी कैरी करने वाला हूँ, ये है रिस्ट बैंड। ये डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर रिस्ट बैंड से थोड़े से यू नो अलग हैं, ये मेरे को आजकल बहुत यूजफुल, जब मैं बैक का वर्कआउट करता हूँ स्पेशली जब मैं फुल मूवमेंट्स करता हूँ तो ये बहुत हेल्प करते हैं, राइट। जब आप अपना लाइक इंटरमीडिएट फेज से क्रॉस कर चुके हो तो आपको ये चीज़ें फील होती हैं, आपका रिक्वायरमेंट भी है। मैं चाहता हूँ आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, अच्छे खासे 2 या 2.5 साल निकाल देगा आपका। लास्ट के जो भी 2 या 3 रेपिटेशंस होते हैं, मैंने देखा ग्रिपिंग छूटने लग जाती है जिम्स में जब हम बारबल्स पकड़ते हैं, सो दिस रियली हेल्प मी एंड आई थॉट टू शेयर दिस आइडिया विद यू। ओके, सो फाइनली स्टार्टिंग विद द वर्कआउट ऑफ बैक। कुछ होती है मेरी बैक में कंपाउंड और आइसोलेशन, तो मिक्सचर ऑफ मैं आज दिखाने वाला हूँ। मेरी जो भी करंट स्प्लिट चल रही है वो
फाइव डेज इन अ वर्कआउट, फिर एक दिन का ऑफ, फिर फाइव डेज इन अ वर्कआउट, फिर ऑफ, तो कोई पर्टिकुलर फिक्स ऐसा नहीं है, बस फाइव डेज इतना सोचा कि फाइव डेज मेरे को रेगुलर वर्कआउट करना ही है एंड नो गोल राइट नाउ एज सच, बस मेरे को लीन मसल मास जितना ऐड हो सकता है उतना करूँ और विद अ पर्टिकुलर ऑफ द प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स। तो अभी कहीं पे भी स्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, हर चीज़ खानी है और अच्छा वर्कआउट करना है। सो आइसोलेशन किया ज़्यादा मूवमेंट्स रहेंगे, कंपाउंड के कम रहेंगे, बिकॉज अगेन मिक्सचर, मैं बोला मिक्सचर दिखा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द हम जो कर रहे हैं आज का चिनअप्स, तो चिनअप्स जितने लोगों की लैट्स वाला सेक्शन जो वीक होता है, मेरे भी शुरू में काफ़ी वीक थे तो मैंने चिनअप्स पे ध्यान देना शुरू करा, अलॉन्ग विद इस पे मुझे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, सो कॉन्ट्रैक्शन के साथ मुझे चिनअप्स करने हैं, सो दैट्स आई एम गोना बी डूइंग, लेट्स स्टार्ट। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used, everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless, while others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit, they love to hate, but hate to live, society, you swing and miss, and honestly, I get it, promise me you won't regret it, wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it, bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit, make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise, try to harness, as an artist, stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand on stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, just done with the workout और अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं ले रहा हूँ प्रोटीन पावर्ड बाय SBN सिल्वरबैक न्यूट्रिशन। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा व्हेन आई वाज ऑन द कंपीटिंग फेस, तो SBN और माय प्रोटीन मेरे पहले ब्रांड थे जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर करता था एट द टाइम ऑफ कंपीटिंग फेस। सो इनका प्रोटीन मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ एंड आई रियली रिकमेंड दैट। तो अगर आप चाहते हो SBN का प्रोटीन या क्लोथिंग कुछ भी यहाँ परचेज करना, तो नीचे दी हुई मैंने वेबसाइट है SBN की है, वहां पे जाके मेरा कोड लगा सकते हो, आपको अपनी पूरी परचेज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 20% चल रहा है मेरे कोड के बाद, सो दैट विल रियली हेल्प यू एंड यू कैन हैव द ट्रस्ट ऑन मी, सो यू नो दिस थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर। तो प्रोटीन का काम आज हमारा खत्म हो गया, वर्कआउट का काम खत्म हो गया हमारा, बेसिकली हाफ ऑफ द डे आई हैव रियली शोन यू दैट व्हाट आई डू ऑन द यूजुअल डेज, मंडे टू फ्राइडे मेरा किस तरीके से रहता है। आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है, तो वीकडे से मैं बहुत कम वीडियोज आएगा, पहली या दूसरी वीडियोज होगी जो मैंने वीकडे पे बनाई होगी। सो दिस इज हाउ दैट आई हैव बीन प्लान्ड। और इसके बाद अगर मैं खत्म करने के बाद जाऊंगा अपने घर पे, उसके बाद अपना मैं खाना खाने के बाद अपना डेली रूटीन जो पोस्ट ऑफ द लाइक 4 PM या 5 PM जो होता है मेरा, 5 बजे से
शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट जो कि मेरी होती है, वर्क नाइट शिफ्ट, तो मैं वो शुरू करूंगा। उसके बाद आई कैन नॉट रियली शो यू दैट व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज कुछ चीजें यू नो कॉन्फिडेंशियल है अबाउट द वर्क एंड ऑल द थिंग्स, और वो वाली चीज फुल डे ऑफ ईटिंग, फुल डे ऑफ वर्कआउट, वो चीजें हम किसी और दिन सेपरेट करेंगे। I'm marching till it's over. I'm just like a soldier.